top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये इनके पास 20,000 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, जैसे उनका खुद का दावा है, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया। इस सारे खेल में दिल्ली की सरकार के कई सारे अधिकारी, यूपी सरकार के साथ साथ जो इसमें टोल टिक्स पर जो एडवर्टाइजमेंट की वसूली का काम उसका सारा ठीक है, वो टाइम्स ऑफ आईएस बना और हमारे बच्चे आईएस बने और वो सारे ऐसे लोग जो समाज में बड़े प्रतिष्ठित थे। खेल तो सारा अपने हिन्दुस्तान में चल रहा है पिछले 15-20 सालों में, जब से पीपीपी मॉडल पर प्रोजेक्ट आए हैं। हाई एनएस पर रोड डेवलप करने के लिए एनएचआई के अधिकारियों के बेटे उनके रिश्तेदारों ने अपनी कमिटियां बनाकर वहां पर अनावर एक पूरा पूरा हमारे संसद सदस्य जो पूरे संसद में बैठे रहते हैं वो सारे इससे गुजरते हैं। पूरे देश का प्रमुख व्यक्ति इस पुल से गुजरता है, सब लोग उससे गुजरते हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा। यहाँ पूरा तो केस हाईकोर्ट में क्या हुआ, केस इतना लिंग हो गया कि उसका अब तक कोई आउटपुट नहीं आया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जुडिशरी मैंने जन में खर्च कर दिया। हम लोग कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक मत होकर एकजुट होकर कभी आवाज नहीं उठा, ये हमारी सबसे बड़ी कमी। हम बाकी सारे मुद्दों पे एक है, लेकिन हम अपने नाक के नीचे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, हमने एक्सप्रेस अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, उसके टोल ले जाते हैं, तो हमारी सारी कमाई का साइकिल फिर हम ईएमआई घर की मकान की गाड़ियों की छुपाने में लगते हैं, कंज्यूमर गुड्स खरीद लेते हैं, तो हम दिन रात जो कमाते हैं उस साइकिल में वो कुछ कंपनियां उनको लूटती रहती है और हम कमाते रहते हैं, वो एक हम उनके षड्यंत्र का चक्र का हिस्सा बन जाता। अगर प्रमुख नागरिक है उसकी ये सोच डिजाइन की गई थी 1995 में कि यह घोटाला होने जा रहा है और जनता से हमेशा के लिए लूटने का एक खाका तैयार किया जा रहा है। अभी यादव सिंह का प्रकरण चल रहा था, उसी प्रकरण के दौरान डीएनडी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया अभी पिछली 2014 को 21 दिसंबर को कि टोल की दरें बढ़ा दी उन्होंने, कुछ जो छोटे व्हीकल हैं उस पर 25 रूपये से 28 रूपये कर दिया, कुछ 2XL 3XL और मल्टी एक्सएल व्हीकल्स है उन्होंने करीब 3 रूपये से लेके और 30 रूपये का रेट उन्होंने टोल का बढ़ा दिया। काम कर रही थी, कुछ लोगों ने इस विषय को उठाया, डीएम के पास भी ज्ञापन देने गए, सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी ज्ञापन देने गए। आइए सर, कर्नल एआर खान है, डी अब्दुल हमीद की रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर है, मेरे पड़ोसी है, मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए सर, कर्नल इंतजार रसूल खान, आइए सर, थैंक यू। इस विषय को सिटी मजिस्ट्रेट के पास लेके जाए, जब हमने सिटी मजिस्ट्रेट से समय लिया तो सिटी मजिस्ट्रेट ने से जब हम लोगों ने एक विषय को रखा कि सर ये घोटाला है, काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है, इस विषय पर कुछ देखिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ विकास जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये घोटाला है। मैंने कहा कि इसमें कुछ आईएएस अफसरों ने, 20-25 आईएएस अफसरों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया, नोएडा टोल ब्रिज कॉरपोरेशन को। एक मैं आपको बता दूं, नोएडा टोल ब्रिज कॉरपोरेशन एक बहुत छोटी सी जगह है, आपने नाम सुना होगा, लखनऊ में पटलर प्लेस कॉलोनी है, वहां पर रजिस्टर्ड है। एक छोटे से किसी आईएएस अफसर के फ्लैट पर इतनी बड़ी टोल कंपनी रजिस्टर्ड है। बटलर प्लेस कॉलोनी कोई प्राइवेट जगह नहीं है, ये सरकारी कॉलोनी है। एक वहां पर लखनऊ के पास राजा महमूदाबाद हुआ करते थे, उनकी वो सरकारी अफसरों की कॉलोनी है, उस पर ये नोएडा टोल ब्रिज कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड है। अब मैं इसमें थोड़ा सा, चूंकि मैं इस पर घोटाला है ये जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैं आपको इसका विषय बता दूं कि मात्र 1997 नवंबर में ये समझौता हुआ नोएडा टोल ब्रिज कॉरपोरेशन और नोएडा अथॉरिटी के बीच में कि दिल्ली से नोएडा को यमुना से कनेक्ट करने वाला एक पुल बनाया जाएगा। उस समय की नोटिस शीट मैंने पता करने का प्रयास किया कि ये किसने इनिशिएट किया, किसने नोटिस शीट बनाई, उसकी नोटिस शीट्स में जब मैं आरटीआई में देखने गया तो उस नोटिस शीट की कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। किसने उस, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट होता, मैंने भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम किया है, फौज से निकलने के बाद सेंट्रल एक्साइज, आप तो एंटरप्रेन्योर हो तो मैं सेंट्रल एक्साइज में कमिश्नर भी रह चुका हूं यहीं आईटीओ में, तो मैंने यह महसूस किया है कि कोई भी फाइल होगी उसकी इनिशिएशन होती है, उसका नंबर होता है, उसकी शुरुआत होती है कि किसने फाइल इनिशिएट की, क्यों पर बनाने की जरूरत पड़ गई। उस फाइल का नोएडा अथॉरिटी में कोई भी अता पता नहीं है, डीएनडी टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई कोई भी फाइल नोएडा अथॉरिटी में अवेलेबल नहीं है, सबसे दुख की बात यह है। दूसरा विषय,
ना इस कंसेशन जो एग्रीमेंट नवंबर 1997 में भाई साहब साइन किया गया, ना तो इस कंसेशन एग्रीमेंट की कॉपी नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यानी कि पब्लिक डोमेन में क्या एग्रीमेंट हुआ इसकी कॉपी कहीं भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इस डीएलडी के खिलाफ आंदोलन के लिए, और ये मेरा सौभाग्य कहिए कि कैप्टन विकास गुप्ता जी ने टेक्निकल कमेटी एक बना के मेरे को इसका दायित्व सौंपा। जब मैंने इसको स्टडी किया तो पता लगा कि ये 400 करोड़ रुपए का लोन लिया गया गवर्नमेंट की कंपनी और गवर्नमेंट के बैंक से, और 30 करोड़ रुपए कंपनी की कैपिटल थी। उस 90 करोड़ रुपए का जो लोन